क्या आपके एयरटेल डीटीएच का रिचार्ज खत्म होने वाला है और समय हो गया उसे नए से रिचार्ज करने का? पर क्या आपको पता है कि आपका कस्टमर आईडी कौन सा है? नहीं पता? तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का, मैं आपका दोस्त दीप लेकर आ गया हूं आपके लिए कुछ टिप्स आपके एयरटेल डीटीएच कनेक्शन के बारे में। तो अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है कि आप घर पे आके टीवी देखने के लिए बैठे हो और टीवी ऑन करते ही वहां पर दिखाई दे कि आपका अकाउंट बैलेंस लो है, कृपया उसे रिचार्ज करवाएं, तो आप क्या करेंगे? या तो आप जाएंगे किसी डीलर के पास रिचार्ज करने के लिए, या फिर आप अगर किसी यूपीआई ऐप यूज करते हो तो उसके थ्रू आप रिचार्ज करवाएंगे, यही ना। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जो आपको जरूरी है वो है आपका कस्टमर आईडी। उसे आप कैसे पाएंगे? वैसे काफी सारे तरीके हैं कस्टमर आईडी जानने का, लेकिन सबसे आसान जो तरीका है उसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो क्या है वो तरीका, चलिए जान लेते हैं। कस्टमर आईडी जानने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस हाथ में लेना है आपका एयरटेल डीटीएच का रिमोट। वहां पर आपको मिल जाएगा मेनू का एक बटन, उस मेनू बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो टीवी स्क्रीन के नीचे आपका कस्टमर आईडी आपको दिख जाएगा। लेकिन कभी कभार सिस्टम में कुछ अपडेट के कारण वो आपको दिखाई नहीं पड़ता, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक बार आपका अकाउंट को हेवी रिफ्रेश करना है। तो हेवी रिफ्रेश आप कैसे करेंगे उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे आप आपके अकाउंट को हेवी रिफ्रेश करेंगे। अकाउंट को हेवी रिफ्रेश करने के बाद भी अगर आपका वहां पर कस्टमर आईडी दिखाई ना दे तो और भी आसान तरीके हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो इसके लिए जो आपको करना है वो है आपको आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस नंबर से एक नंबर पर मिस्ड कॉल देना है बस, और वो नंबर है 81300 81300। नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जरा वीडियो को पॉज कर लीजिए और नंबर नोट डाउन कर लीजिए। नंबर है 81300 81300। इस नंबर पर मिस कॉल देने से आपके नंबर पर एक फीडबैक मैसेज आएगा जहां पर आपको आपका कस्टमर आईडी मिल जाएगा। और भी तरीके हैं कस्टमर आईडी जानने का, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, उसके लिए आपको एसएमएस सेंड करना है बस। उसके लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का जो फोन है उसका राइट मैसेज ऑप्शन में जाकर लिखेंगे BAL, बस इतना लिख के आपको सेंड कर देना है 54325 नंबर पर। इस नंबर पर अगर सेंड करेंगे आप तो फीडबैक एसएमएस आएगा आपके मोबाइल पर, वहां पर भी आपका कस्टमर आईडी दिख जाएगा। तो इसी तरह घर बैठे ही कुछ ही सेकंडों में आप जान सकते हैं कि आपका कस्टमर आईडी कौन सा है एयरटेल डीटीएच का। तो ऐसे ही हेल्पफुल टिप्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और अगर डीटीएच के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेना है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, ताकि उसके ऊपर मैं अगला कोई वीडियो बनाकर आपको वो जानकारी दे पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।